हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड क्लास एट्थ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर द चैप्टर नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फो फो मीन्स एनिमी ठीक है दैट मीन्स तो मीनिंग क्या हो गया फो का फो का मीनिंग हो गया हमारे लिए एनिमी ठीक है यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं तो हार्मफुल कौन कौन से हो सकते हैं बेसिकली अगर हम देखें इसके लिए तो जैसे कुछ हम कैटेगरी हमारी वायरस की हैं ठीक है थीके? वो हमारे लिए हार्मफुल हैं इसके अंदर अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं तो इसमें देखिए जैसे कि बैक्टीरिया की action, अगर हम लोग बात करें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है लाइक कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ठीक है तो वो यूजफुल हो गए बट सेम बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाएगा डिजीज कॉज करवाता है देन इट विल बी हार्मफुल ठीक है लाइक वाइज ऐसे ही हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो वायरसेस हैं ठीक है वायरसेस क्या हो जाएंगे कुछ यूजफुल हैं सेम कुछ हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे सो लेट्स बिगन अवर टॉपिक विद द एन सी आर टी एक्सरसाइज तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे वर वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज इनके साइज को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है म्यू माइक्रोन क्या बोलते हैं इसको म्यू माइक्रोन ठीक है ये बेसिकली हम लोग तो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि दे कांट be seen by our naked eyes हम उनको naked eyes का मतलब होता है हमारी जो open eyes हैं उनसे हम उनको नहीं देख सकते हैं ठीक है तो इनको देखने के लिए हमारे पास special instruments होते हैं that instrument we called as a microscope now second फिलप is the blue green algae blue green algae को जो है cyanobacteria बैक्टीरिया भी बोला जाता है वाई डू वी कॉल्ड इज एट साइनोबैक्टीरिया और वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी इसका रीज़न क्या होता है कि इसका जो शेप एंड साइज जो है साइनोबैक्टीरिया का शेप एंड साइज जो होता है इसमें इस तरीके से ऐसे सेल्स इसके जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं ठीक है ठीके? अगर हम इसको और थोड़ा सा परफेक्टली अगर बनाते हैं तो ये देखिए अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं एक स्क्वायर साइज़ के अंदर तो ये इसकी आउटर वॉल होती है साइनोबैक्टीरिया की बीच में इस तरीके से पार्टीशंस डिवाइड है ठीक है तो ये जो वॉल है और जो सेल्स होते हैं ये दो अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करते हैं ब्लू और ग्रीन ठीक है इनर वाले जो पार्ट्स हैं ये वाले ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं आउटर पार्ट शो करता है किसको ब्लू कलर को तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बट इट इज नॉट अ एल्गी इट इज़ ए बैक्टीरिया ठीक है तो ब्लू ग्रीन एल्गी करती क्या है इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकती ठीक है सो द प्लांट हैव टू फिक्स प्लांट हैव टू फिक्स दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इन टू यूजफुल प्रोडक्ट लाइक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स तो इन यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना असेंशियल होता है ये कौन करता है ब्लूग्रीन एल्गी उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट अब एल्कोहल ईस्ट कैसे बनाता है हम इसको देखते हैं वे इन वेरी शॉर्ट एल्कोहल जो है ये प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरियोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एज यू ऑल नो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं बट कुछ रेस्पिरेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म गैसेस का तो एक्सचेंज करता है बट दे ड रिक्वायर ऑक्सीजन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ए एन एरबिक रेस्पिरेशन तो ईस्ट जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं वी कॉल्ड एज ए फर्मनटेशन हम क्या बोलते हैं इसको फर्मनटेशन तो ईस्ट क्या करता है ईस्ट अंडरगो फर्मेंटेशन और जब फर्मेंटेशन करेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है एल्कोहल ये देखिए बहुत कॉमन है जब हमारे हाउसेस के अंदर एप्पल है या ग्रेप्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते पक जाते हैं ठीक है ठीके? तो उस टाइम पे उनके अंदर से अल्कोहलिक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे वो फर्मेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं सड़ने और गलने शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट इज़ कॉलरा इज़ कॉस्ड बाय कॉलरा जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हैजे की बीमारी बोलते हैं नॉर्मली ये किससे होती है इट इज़ कॉज ड्यू टू अ बैक्टीरिया अब नेक्स्ट टिक द करेक्ट वन अब यहाँ पे है कि अलग अलग आपको स्टेटमेंट दे रखी है आपको फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अभी हम लोग कितने किया है इस वाले टॉपिक के अंदर कि ईस्ट क्या करवाएगा एल्कोहल को प्रोड्यूस करवाएगा ठीक है नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्या होती हैं ये वो ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं जो किसको किल करती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करती हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ मलेरिया कॉजिंग जो प्रोटोजोआ है जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लास्मोडियम क्या है इसका साइंटिफिक नेम प्लास्मोडियम तो इसने ये पूछा है कि ये किसके थ्रू फैलते हैं तो ये किसके थ्रू होता है इट इज बेसिकली ड्यू टू द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो नाउ अ पॉइंट अराइजेस आपके माइंड में घूम रहा होगा कि वाई द फीमेल इज द कैरियर फीमेल ही क्यों करती है ठीक है हमें जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ऑलवेज फीमेल बाइटर्स नॉट द मेल रीज़न क्या होता है फीमेल को एग प्रोड्यूस करने होते हैं फॉर रिप्रोड्यूसिंग ठीक है अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए तो एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर ठीक है और हाई टेम्परेचर इसको कहाँ मिलता है वैन शी बाइट ह्यूमन बॉडीज जब ये ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है तो हमारा जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर हाई है तो वो इसको मिल जाता है दैट्स वाई ऑलवेज फीमेल बाइटर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है दैट विल स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वन पर्सन से अनदर पर्सन जाते हैं किसके थ्रू बाय एयर वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे हमने एक दूसरे को हाथ लगा दिया इस तरीके से तो इसका मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सी होती है हाउस फ्लाई हमारी जो घर की मक्खी होती है वो ठीक है नेक्स्ट है द ब्रेड और द इडली ठीक है आपने नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया ऑब्ज़र्व कर रखा होगा नॉर्मली आप लोगों ने कि जब भी मम्मी जो है घर के अंदर इडली वगैरह बनाती हैं या फिर ढोकला बनाती हैं तो उस पेस्ट को हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं छोड़ देते हैं बट फॉर वेरी फास्ट हम लोग क्या करते हैं वी कॉमनली यूज्ड इनो हम उसके अंदर डाल देते हैं या हमारा जो uh, बेकिंग सोडा होता है वो हम उसके अंदर डाल देती हैं तो बेसिकली वाई डू वी एड ऑल दिस इनको एड क्यों करते हैं रीज़न तो क्या होता है हम इनको ऐड किस लिए करते हैं कि ये क्या करते हैं उसके अंदर जो एन एरबिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का प्रोसेस उसको फास्ट कर देते हैं तो जो डो है आटा है जो है इडली का वो लगा के हम लोग किस लिए छोड़ देते हैं कि ईस्ट के सेल जो है वो उसके अंदर ग्रो करें ईस्ट के सेल जब ग्रो करेंगे तो वो क्या करेंगे वो फर्मेंटेशन करेंगे और फर्मेंटेशन होने की वजह से जो आटा हमने लोगों लगा के छोड़ रखा है मान लो वो उसकी लेयर इतनी सी है आफ्टर टू और थ्री आवर्स हम देखते हैं तो उसकी लेयर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और थोड़ा सा पफ़ी हो जाता है तो पफ़ी किस वजह से होता है कि इसमें से जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये क्या रिलीज़ करता है इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जा रही है बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो जैसे गैस ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या करेगी आटे को अपने साथ ऊपर की तरफ वो उठाती चली जाती है ठीक है नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल ये हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन व्हाट इज कॉल्ड एज ए फर्मनटेशन नाउ द मैश कॉलम ठीक है मैश द कॉलम हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट कॉलम आपका जो है इसमें दे रखा है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है क्या करवा रहा है अब यहाँ पे देखिए आप लोग की इस नंबर ऑफ डिजीजेस मेंशन है तो बैक्टीरिया क्या करवाता है ये कॉज करवाता है कॉलरा को ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर तो बैक्टीरिया क्या कॉज करवा, करवा रहा है भाई कॉलरा कॉज करवा रहा है नेक्स्ट है राइज़ोबियम राइजोबियम जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है लेज्यून जो प्लांट होती हैं यानी कि हमारी जो दाल होती हैं लेज्यूज़ का मतलब होता है दाल ठीक है तो उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें इस तरीके से नोड्यूल्स बन जाते गाठे बन जाती उसके, उसके अंदर ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं ठीक है, है। जब उसके अंदर ये प्रेजेंट है तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस करवाएंगे जिसकी वजह से क्या करेंगे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवाएंगे उसको यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करा देंगे अब नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जो है इट इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया ये भी एक बैक्टीरिया है और ये किस में हेल्प करवाता है इट हेल्प इन फिक्सिंग सॉरी इट हेल्प इन द फॉर्मेशन इट हैल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर ये क्या करवाएगा कर की फॉर्मेशन दही जमाने में हेल्प करता है ईस्ट क्या है एज यू ऑल नो ईस्ट को हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इसको क्या कौन सी यहाँ पर क्या दे रखा बेकिंग के लिए सिर्फ ब्रेड का नाम है तो हम किसके साथ करेंगे मैच इसको बेकिंग ऑफ ब्रेड अब प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा का मतलब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी मैंने आपको बताया था मलेरिया जो है वो किससे होता है प्रोटोजोवा से तो प्रोटोजोवा क्या हो जाएगा कॉजिंग मलेरिया लास्ट है वायरस वायरस क्या कॉज करवा रहे हैं एड्स क्रॉस करवा रहे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स सो जो क्वेश्चन आंसर है हमारा फोर्थ अकॉर्डिंग टू द सीरीज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक डाइव देखिए अभी हम स्टार्टिंग में किया था नेक डाई से हम लोग नहीं देख सकते नो इट कॉन्ट बी सीन इफ नॉट हाउ कैन दे बी हम उनको देख कैसे सकते हैं दे आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप सेकेंड क्वेश्चन वाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनि के मेजर ग्रुप कौन से हैं बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी सारी की सारी एल्गी जैसे ग्रीन एलगी आप लोग देखते घर पे जो काई जम जाती है हमें दिख रही है वो बट ऑल आर नॉट विजिबल लाइक दैट कुछ उसके अंदर विजिबल नहीं होती नेक्स्ट है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इसमें पूछा हुआ कि कौन से हैं तो इसमें हमें जैसे अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि बैक्टीरिया है कौन सा राइजोबियम ये हेल्प करता है इसके अलावा कुछ और भी हैं हमारे सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का भी मैंने नेम क्या बताया था इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए साइनो बैक्टीरिया ठीक है हम क्या बोलते हैं इसको साइनो बैक्टीरिया ये भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा देती हैं यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर और वो यूजफुल प्रोडक्ट फिर प्लांट की किस में कन्वर्ट करा देता है प्रोटीन एंड अदर के अंदर तो देखिए मैं आपको कुछ और नाम बता रही हूँ यहाँ पे जैसे एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है नॉस्टॉक ये भी फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है अब नेक्स्ट है राइट right टेन लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म इन आवर लाइफ्स यानी कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गनिज़्म है स्पेशली बैक्टीरिया वो कैसे हेल्प करते हैं सबसे पहला कि लैक्टोबैसिलस किसको फॉर्म करवाता है कर्ड की फॉर्मेशन दही जमाने में हेल्प करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेड पेस्ट्रीज़ और केक्स बनाने में हेल्प करते हैं यानी कि किसके अंदर हेल्प कर करेंगे सारी के सारी किसके अंदर आ जाएंगे अपनी बेकिंग के अंदर तो बेकिंग में हम किसको यूज़ करते हैं ईस्ट को यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद कुछ हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं ठीक है एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का मतलब कि एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर के अंदर जो अनवांटेड गैसेस हैं ये उनको भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो इसमें देखिए आपको मैं एक कॉमन नेम बताती हूँ जिनको हम लोग नाम किसका देते हैं लाइकेन्स का ठीक है लाइकेन्स जो होते हैं ये एलगी और फंगी दोनों से मिलकर बनते हैं ठीक है और ये हिली एरियाज़ के अंदर बहुत कॉमन होते हैं वहीं पे मिलते हैं जिन एरियाज़ के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये नहीं मिलते नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो है ये हेल्पफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर में कैसे बताया कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा एटमोसफेर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और वो क्या करेगा फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला हमने ईस्ट के बारे में देखो इसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं किसके लिए यूज़ कर रहे हैं एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं इनको वैक्सीन फार्मेशन के लिए भी एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करते हैं कुछ माइक्रो माइक्रोविज्म जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव का मतलब जैसे हमारी जो बॉटल्स हैं जो फ्रेश जूस वाली बॉटल्स आती हैं वो जूसेस के ऊपर आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट्स मेंशन होती हैं ठीक है तो उस डेट तक तो वो रहते हैं ठीक उसके बाद उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है पॉइजनस हो जाते है रीजन क्या होता है कि उनके अंदर हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रखे हैं उनका एक टाइम लिमिट है कि इतने दिनों तक तो वो पॉजिटिव इफेक्ट शो कर सकते हैं बट आफ्टर दैट दे विल शो नेगेटिव इफेक्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना इसके अंदर दो पॉइंट और आए गए इसके एट पॉइंट हम लोगों ने कर लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन द लास्ट चैप्टर आप लोगों ने करा था कि मैन्योअर फॉर्मेशन होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे वर ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मिंग द मैन्योर्स ठीक है मैन्योअर फॉर्मेशन के लिए स्पेशल हमारे मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं ठीक है थीके? जब हम लोग काउडंग के पास से निकलते हैं काफ़ी दिनों का रखा होता है तो उसमें से क्या होता है मीथेन गैस की स्मेल आती है तो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किसका नाम देते हैं मिथेनोजन्स और कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर भी हेल्प करती हैं उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट के ऊपर भी बताना अब तक तो, तो हमने क्या किया कि उसके यूजफुल इफेक्ट किए थे अब हम बताएंगे हार्मफुल इफेक्ट तो हार्मफुल इफेक्ट के अंदर देखिए बहुत वैरायटी हैं तो डिजीज कॉज जब करते हैं ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमको बोलते हैं पैथोजन्स तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तो वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं क्लोथ्स को स्पॉइल करते हैं और लेदर की जो चीज़ें हैं उनको भी वो स्पॉइल कर देते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करते हैं जैसे कॉलरा है कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स है ठीक है इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं जैसे कि वायरस का हमने किया था कि वो कौन सी डिजीज़ कॉज करवाता है एड्स करवाता है अब लेटेस्ट कौन सा चल रहा है अपना कोविड नाइन्टीन द मोस्ट डेंजरस पैंडमिक ये भी क्या होगी एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया हमारे लिए फूड पॉइजनिंग कॉस करवाते हैं इसके अलावा अल्सर ठीक है पेप्टिक अल्सर होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर पेट में घाव बन जाते हैं ठीक है वो भी एक बैक्टीरिया से होते हैं नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन अपना व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स देखिए एंटीबायोटिक्स होती क्या है बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये मेडिसिन होती हैं ठीक है जो किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ ऑफ़ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा स्पेशली बैक्टीरिया क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं ये बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ होती हैं तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप्टोमाइसिन टेटासाइलिन ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के जो बहुत ही कॉमन है एंटीबायोटिक्स को लेते समय कुछ प्रिकॉशंस क्यों ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी अगर ओवर डोज हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है तो देखिए क्या क्या है एंटीबायोटिक्स मस्ट बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर यानी कि डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करता है तभी हमें लेनी चाहिए ऐसा नहीं कि हमारा मन किया तभी ले ली हमने नो इट्स वेरी वेरी डेंजरस नेक्स्ट वन है इसके अंदर हमारा वन मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको तीन दिन का कोर्स लेना है तीन दिन का कोर्स का मतलब कि थ्री डेज़ की आपकी मेडिसिन हैं ठीक है चीके? आपको मॉर्निंग लेनी है फिर आफ्टरनून में लेनी है देन इन द इवनिंग थ्री टाइम्स लेनी तो वो थ्री डेज़ का कंप्लीट जो कोर्स है दो दिन या तीन दिन की जो दवाई डॉक्टर देता है वो पूरा कोर्स करना चाहिए बीच में नहीं अवॉइड करना चाहिए एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड वेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो हमें वो यूज़ भी नहीं करनी चाहिए ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड माइक्रो ऑर्गनिज्म फ्रेंड एंड फोर्थ तो आप लोगों ने पूरे चैप्टर की जो क्वेश्चन से जब स्टडी किए हैं तो यू मस्ट फाइंड आउट कि कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल और कैसे हमारे लिए वो हार्मफुल है सो काइंडली स्टूडेंट इफ़ यू लाइक द डिस्क्रिप्शन सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू